फिर से स्वागत है मेरे चैनल द्राक्षिस नॉलेज टेक में। तो हम हिंदी सेशन की बात कर रहे हैं। हिंदी में हम लेसन 16 सीख चुके हैं, 16 सेशन कंप्लीट हुए, आज है 17वां सेशन हमारा। तो 17वें सेशन में आज तक हमने यफ लेटर कंप्लीट किया है, जिसके 5 शब्द बनाए हैं, जिसको हिंदी और कन्नड़ा में अनुवाद भी कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि आप अब तक उसको सीख लिए होंगे, जहां तक मेरा ख्याल है। तो आज हमारा लेटर है जी, तो सेशन है हमारा 17वां। तो 17 सेशन में फिर से आपका यहाँ स्वागत करता हूँ मैं। तो आज हम सीखेंगे लेटर जी का। तो ये है लेटर जी। जी में हम 5 शब्द और बनाएंगे, जिसको हिंदी और कन्नड़ा में अनुवाद करके देखते हैं हम क्या उसका मीनिंग्स निकलते हैं। फिर यहाँ पे उसको सीखना है, बारी बारी से आपको याद करना है। वही मैं कहूंगा, जितना आप परफेक्ट होते जाएंगे उतना आप जल्दी सीख पाएंगे। यही है मेरा मोटो भी, यही है आपको सिखाने के लिए मैंने ये सब किया है। तो आप ध्यान लगा के सीखिए, जल्दी से परफेक्ट हो जाइए, बहुत जल्दी हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो तब तक के लिए अभी देखते हैं हम 5 वर्ड्स क्या आते हैं लिखते हैं। तो हमने देखे यहाँ पे 5 लेटर लिखे हैं यहाँ पे, जो वर्ड्स हैं जी में बनते हैं। पहला वर्ड आता है गावा, तो दूसरा है गोट, तीसरा है गॉड, चौथा है ग्रेप्स, पांचवा वर्ड सीखेंगे गर्ल। तो इसको हम देखते हैं हिंदी और कन्नड़ा में इसको क्या कहते हैं। गावा को कहते हैं हिंदी में अमरूद। तो हम ये लिखेंगे, ये गावा हो गया, ये गोट है, गॉड, ग्रेप्स, गर्ल। स्टार्ट। तो हम देखें यहाँ पे जी में ये सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जिसका अनुवाद हमने यहाँ पे हिंदी में किया है, वहां पे कन्नड़ में किया। तो ये है गावा। गावा जिसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं अमरूद, अमरूद, और कन्नड़ में कहते हैं सीबे हन्नु। तो ये होया कन्नड़ का, ये होया हिंदी में अमरूद कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं गावा। तो नेक्स्ट लेटर के लिए तरफ चलते हैं यहाँ पे गोट। गोट माने बकरी, हिंदी में बकरी, और वही कन्नड़ में होता है आड़ू, जो बकरी होती है, जो एनिमल है। तो यहाँ पे तीसरा है गॉड। तीसरा गॉड है जिसको हम हिंदी में कहते हैं ईश्वर, और कन्नड़ में देवरू। तो ईश्वर या परमेश्वर भी कह सकते हैं आप, जिसको हम गॉड कहते हैं, गॉड, परमेश्वर या ईश्वर, देवरू। तो चलते हैं नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जहाँ पे ग्रेप्स है। ग्रेप्स माने है अंगूर, अंगूर, और ये कन्नड़ में कहते हैं द्राक्षीगळु। तो द्राक्षीगळु ये होते हैं अंगूर को, कन्नड़ में कहते हैं द्राक्षीगळु, और हिंदी में कहते हैं अंगूर, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेप्स। तो ये अब लास्ट है गर्ल। तो ये गर्ल हिंदी में कहते हैं लड़की, गर्ल को लड़की कहते हैं, और कन्नड़ में हुड़ूगी, हुड़ूगी भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारे 5 शब्द, जिसका जी से 5 वर्ड बनाए हमने। ये है इंग्लिश, ये है हिंदी, ये है कन्नड़। मैं कहूँगा आपको इसको बाहर करना है, बाहर करते ही आप थोड़ा बहुत तो आप यफ वर्ड तक सीख गए होंगे। अब जी वर्ड सीखिए, जी के बाद में आपको ये 5 वर्ड बाहर करना है। जिसको हिंदी चाहिए हिंदी में बाहर कीजिए, जिसको कन्नड़ में चाहिए आप कन्नड़ा में भी बाहर कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा इसका मीनिंग क्या है, ये वर्ड्स का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको कन्नड़ा में क्या कहते हैं। तो यही है। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। इसका अगला लेटर 17वें, तो 17वां खत्म हो गया है 18वें सेशन में, 18वें लेसन में। और जी के बाद में आता है एच, एच लेटर के साथ सर। उसके बाद हम सीखेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।